Thanks a lot. I think one of the best hosts that I have had till date, because how does the interview go depends more on the host rather than on the speaker. You should be able to get the best out of the speaker, because वैसे देखा जाए तो यही सेम चीज मैंने कई बार बोली होगी, बट आई थिंक द वे इट वेंट टुडे वाज मच मोर इनसाइटफुल फॉर ऑल द व्यूअर्स आउट हियर, सो अ बिग थम्स अप टू यू. हेलो गाइस, सो रिसेंटली आई हैड अ चांस टू इंटरव्यू सीए रचना रानडे. यस, यू हर्ड मी राइट, द सीए रचना रानडे, अ पर्सन विद अराउंड 37 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, 7 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, अराउंड 20 करोर वॉच मिनट्स ऑन यूट्यूब. यस, शी इज एन इंस्पिरेशन टू यू, मी, एवरीबडी फॉर दैट मैटर, बट एस्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स. Because she is a chartered accountant and today she has managed to become this worldwide finance maestro, worldwide finance sensation. How did she manage to do this? What was her childhood journey? How did she become a chartered accountant? How did she manage to become a tutor and a YouTuber? All of these things were discussed in that conversation. Guys, I had super duper fun and I got to learn many things out of that conversation. All of the insights I'm going to talk about in the upcoming video, because it's going to be extremely beneficial for you as well. So if you also want to do something out of the box, if you also see your career beyond CA, if you also want to start some side hustle, and if you also want to become big someday in your life, this video is a must watch for you, and many such videos lined up in the upcoming few days as well. So channel ko subscribe nahi kiya to subscribe and hit that bell icon. The very first insight or learning which I got out of the conversation, in fact Rachna ma'am herself began the conversation by saying this: I always wanted to become the one, not one of the. And that is what we see today. There are many chartered accountants, but we do not know everybody. But we know Rachna Ranade. You know, उन्होंने क्या बोला कि मैं अगर टेलर बनने का सोचती ना, तो मैं वो टेलर का काम भी उस एक्सीलेंस, उस कमिटमेंट के साथ करती कि दुनिया में किसी को भी कोई टेलर चाहिए तो उनके दिमाग में फर्स्ट नाम रचना का आना चाहिए. क्या बात बोली उन्होंने यहां पे. अपन क्या करते हैं काफी बार, अपन आउटपुट का सोचते हैं कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है, बट इनपुट्स के बारे में बात नहीं करते. नाउ दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन. उन्होंने एक्सीलेंस की बात की, कमिटमेंट, डेडिकेशन, और उन्होंने वो दिखाया. आप बिलीव नहीं करोगे, एक 7th स्टैंडर्ड का किड है जो रचना मैम के फाइनेंस कोर्सेस अटेंड करता है एंड उनको इतने कॉन्सेप्ट्स पता है फाइनेंस के जो बड़े बड़े लोगों को नहीं पता. ऑल बिकॉज रचना मैम हैज वर्कड विद दैट लेवल ऑफ एक्सीलेंस, दैट लेवल ऑफ कमिटमेंट, बिकॉज उन्होंने ये बात सोच ली है कि आई वॉन्ट टू बिकम द वन, नॉट वन ऑफ द. वॉट इफ अपन भी ऐसा कुछ एम करना बिगिन करें. एटलीस्ट आई एम वॉन्ट टू डू दैट आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन फॉर श्योर. सेकेंड चीज जो आई थिंक नेसेसरी है, जो अपन सबको गांठ बांध लेनी चाहिए, दैट इज हार्ड वर्क. उन्होंने क्या बोला पता है कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू बी ब्रिलियंट टू बी सक्सेसफुल, इट इज नेसेसरी टू बी हार्ड वर्किंग. एंड रचना मैम इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल आई हैव कम अक्रॉस. एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके थे बट उनको हमेशा ना टीचिंग में इंटरेस्ट था और उनके सामने एक टीचिंग की अपॉर्चुनिटी आई, बट फॉर MBA स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स सिखाने की उनको अपॉर्चुनिटी मिली. और वी एट CA स्टूडेंट्स, अपने को इतना इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पता नहीं होता, इतना डेप्थ में पता नहीं होता. तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि जॉब तो करना ही था उनको मैंडेटरी, बिकॉज शी बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, एक सिक्योर जॉब तो लगता है. टीचिंग एज अ फ्रेशर इतना सिक्योर जॉब नहीं था, नहीं है इनफैक्ट. तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, 9 to 6 टीच, 9 to 6 जॉब करते थे, जॉब से आने के बाद इकोनॉमिक्स खुद पढ़ते थे एंड नेक्स्ट डे सुबह 6 से 8 वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे बच्चों को एंड देन जॉब करने जाते थे. तब से वो इतना हार्ड वर्क कर रहे. आज अपने को दिख रहा है कि शी इज सो सक्सेसफुल, बट दिस इज जस्ट द ब्रिंक ऑफ आइसबर्ग. शी हैज गॉट सो मेनी सब्सक्राइबर, शी इज सो लकी, बट इसके पीछे इतने सारे एफर्ट्स इन्वॉल्व थे. आज स्टूडेंट्स मुझे पूछते कि मैम साइड हसल करना है, कॉन्टेंट राइटिंग करना है, टीचिंग करना है, बट जॉब के साथ टाइम ही नहीं मिलता. नाउ दिस इज अ थॉट ऑफ अ पर्सन जो खुद को एक मीडियोकर स्टेट में ही रखता है हमेशा, बट जो एक एक्स्ट्रा एज
people who want to become something big, now they work every muscle of their body. They walk that extra mile. And this is what we learned from Rachna ma'am's life, for that matter, ki she always walked that extra mile because hard work hamesha kiya unhone. Thirdly, she was always open to explore new opportunities. कि जैसे कि मैं आपको बोलूं, एक टाइम था उनके लाइफ में शी वॉज कंडक्टिंग द सेबी अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कि सेबी इन्वेस्टर प्रोग्राम्स, एक 100 इन्वेस्टर प्रोग्राम्स कुछ उन्होंने एक महीने में कंडक्ट किए. एमबीए के स्टूडेंट्स को कोचिंग कर रहे थे, सेवन क्लासेस ले रहे थे एमबीए के, सीए के स्टूडेंट्स को कोचिंग कर रहे थे, कॉरपोरेट ट्रेनिंग्स कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि उनका एक नीश है, उनका पैशन है टीचिंग करना हमेशा. तो शी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग हर अपॉर्चुनिटीज. अपन क्या करते हैं, इनफैक्ट ऑल ऑफ अस, कि वी गेट आवरसेल्फ्स इन दिस बबल कि मेरे पास टाइम ही नहीं है. नाउ दिस इज द बिगेस्ट एक्सक्यूज आई थिंक जो अपन देते हैं. अगर आप रचना मैम का देखोगे लाइफ लेसन यहाँ पे, कि ये सब करते करते उनको एक्चुअली रियलाइज हुआ कि उनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, एंड उसके बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट की तरफ काम करना शुरू किया, एंड देन शी इज वॉट शी इज टूडे, ऑल बिकॉज शी एक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज एट द बिगिनिंग. So this I want to say for all the CA students out here, don't restrict yourself at this age ki mujhe ye hi karna hai ya mere paas iske liye time nahi. Whatever opportunity is coming your way, at least give it a try. Next cheez jo I think I am going to take out of this conversation is ki we need to be open to learning always. कि गाइज उन्होंने बोला कि उनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट था, उनको समझ गया, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज तो था ही था, बट उन्होंने सोचा थियोरी में भी वही है क्या, मुझे पता नहीं, तो आई नीड टू गो थ्रू द थियोरी. सो शी वॉज प्रेग्नेंट उस टाइम पे, उन्होंने NISM की डिग्री के लिए पढ़ाई की, शी गॉट द डिग्री एंड देन शी स्टार्टेड मेकिंग द कोर्स. तो ये उन्होंने किया 2019 में, 2009 में वो CA बने, 2019 में वो दूसरी एग्जाम दे रहे. अपन कभी काफी बार सोचते भी नहीं है कि यार 10 साल बाद कौन पढ़ाई करेगा, यार कौन करेगा. दैट्स व्हाट वी फील. वी अपनी एक लाइफ सेट हो जाती है, एक कंफर्ट जोन सेट हो जाता है, अच्छा खासा कुछ सिक्योर इनकम जब मिलने लग जाता है बैंक अकाउंट में, अपन उसके बियॉन्ड सोचते नहीं है. बट शी डिड नॉट हैव एनी बैरियर, शी थॉट बियॉन्ड दोज बैरियर्स, शी वर्कड फॉर इट. उनका अच्छा खासा टीचिंग का प्रोफेशन चल रहा था, मैंने जैसे कि बोला आपको, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, MBA, सेबी के इसमें सिखा रहे थे, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. बट देन शी थॉट टू गिव दिस अ ट्राई. प्रेग्नेंट रहने के बावजूद उन्होंने उस टाइम पे एग्जाम्स दी, उस टाइम पे आई थिंक उन्होंने पोस्ट ग्रेड भी किया, PGDBM और ये स्टॉक मार्केट की चीज में ही उन्होंने पोस्ट ग्रेड भी किया, बिकॉज शी वॉज ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स ऑलवेज. सो वी नीड टू बी स्टूडेंट फॉर लाइफ लॉन्ग. इनफैक्ट मैंने जितने भी बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी है, वो एक ही बात बोलते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट ऑलवेज, आई वॉज अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट एंड विल बी स्टूडेंट ऑलवेज. सो लेट अस कीप आर माइंड इक्वेंटेड एंड हमेशा नई चीजें सीखती रहनी चाहिए आपने को. नेक्स्टली, शी ऑलवेज चैलेंज्ड हरसेल्फ. गाइज यू वॉन्ट बिलीव, उन्होंने स्टॉक मार्केट का कोर्स लॉन्च किया, यूट्यूब पे भी फिर उन्होंने यूट्यूब पे वीडियोज डालना शुरू किया, एंड देन उनको किसी ने तो बोला कि मैम यूट्यूब एक फुल टाइम प्रोफेशन हो सकता है आपके लिए. नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा, अरे मेरे पास ऑलरेडी इतने 7 MBA कॉलेजेस को सिखा रही हूँ, इतने सारे CA स्टूडेंट को सिखा रही हूँ, अभी स्टॉक मार्केट का कोर्स भी लॉन्च किया है, मेरे पास तो टाइम नहीं है. उन्होंने क्या किया पता है, यू नो जितना बड़ा इंसान बनता है ना, दे हैव टू टेक सम टफ डिसीजंस इन देयर लाइफ. उन्होंने सोचा कि मैं मेरे टीचिंग के करियर को थोड़ा सा होल्ड पे रखने वाली हूँ, अभी आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल ऑफ दिस एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट फुल टाइम यूट्यूबिंग. शी चैलेंज्ड हरसेल्फ दिस. गाइस, दिस टेक्स लॉट्स ऑफ गट्स, दिस टेक लॉट्स ऑफ करेज, कि जो सेट चीज है उसको होल्ड पे रख के शी गॉट इन टू यूट्यूबिंग. जनवरी 2020 में उन्होंने यूट्यूबिंग बिगिन किया, एंड देन पैंडेमिक हैपेंड, एंड देन हर व्यूज स्काई रॉकेटेड एंड सब्सक्राइबर स्काई रॉकेटेड जस्ट बिकॉज शी टुक दैट टफ डिसीजन. सो समटाइम्स इन लाइफ देर आर क्रॉस रोड्स, बट बी रेडी टू टेक सम टफ डिसीजन इन लाइफ एंड यू विल रिसीव द रिवॉर्ड सून इन द फ्यूचर. द नेक्स्ट लर्निंग विच आई गॉट आउट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, इनफैक्ट रचना मैम हरसेल्फ कोटेड दिस, आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली, इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन. Amazing, right? There are many people who think so much. They have so many ideas, but what they lack is execution. But she has managed to execute what she exactly ideated.
She wanted to simplify finance. She wanted to make finance reach nook and corner of our country, and she has managed to do that. You know, I've read this somewhere. There are people from rural areas who come to the nearby railway stations where they can get access to free Wi-Fi. They download Rachna ma'am's lectures and wo apne ghar jaake ye finance ke lectures dekhte hain. एक और इंसिडेंट उन्होंने ऐसा कोट किया कि रचना मैम पुणे से है तो वे मस्तानी लेने गए थे. सुजाता मस्तानी फेमस है पुणे में. तो वहां पे लेने गए थे, बाहर एक जोमेटो डिलीवरी बॉय खड़ा था. वो आया और उन्होंने मैम से सेल्फी मांगी. तो मैम ने बोला डू यू नो मी, तो वो जोमेटो डिलीवरी बॉय ने बोला कि मैम मैं दिन भर जॉब करता हूँ, जोमेटो डिलीवर करता हूँ उसके बाद, और बाद में आके आपके फाइनेंस के लेक्चर्स देखता हूँ सो दैट आई कैन कीप माई सेल्फ लिटरेट. This is what is what I call impact. This is what I call execution. So she has managed to put her ideas into execution. And that is what the impact we see today. Second, next cheez jo unhone batai ki discipline is something which I truly follow. Again, she quoted one amazing thing. We are what we repeatedly do. जिसे उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मेरा वेनेसडे और सैटरडे को वीडियो जाना चाहिए, मतलब जाना ही चाहिए. शी सेड 95% ऑफ द टाइम्स गया ही है वीडियो वेनेसडे और सैटरडे को. दैट्स द काइंड ऑफ डिसिप्लिन विथ विच आई हैव वर्क्ड विद, दैट्स व्हाट शी सेड. जैसे कि क्या होता है ना, उन्होंने बताया कि यूट्यूब पे कोई किसी का बॉस नहीं होता. अगर अपन जॉब कर रहे हैं तो जाना ही पड़ता है 9 से 5, बॉस स्ट्रिक्ट होता है ना, वहां पे स्ट्रेच करना पड़ता है, डेडलाइंस मीट करने पड़ते हैं. जब व्हेन यू आर योर ओन बॉस यू हैव टू बी अ लेवल हाई व्हेन इट कम्स टू डिसिप्लिन. सो शी सेड इफ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग इन लाइफ डिसिप्लिन इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर. नेक्स्ट लर्निंग जो मुझे मिली उस कॉन्वर्सेशन से कि शी सेड आई बिलीव इन दिस पावर ऑफ कर्म. And this is what I also personally believe in. कि अपन फाइनेंस के लोग हैं कि जितना अपन डेबिट करेंगे ना उतना आपको क्रेडिट मिलेगा लाइफ में. वैसे ही उन्होंने ना उनके दीवार पे, उनके बेडरूम में बुल्स एंड बेयर्स का फोटो लगाया है. What she said is life is full of ups and downs. What we can do is what's in our hand is अच्छे कर्मा करना. शी सेड कि 99% जो आपको लाइफ में मिलता है दैट इज सम टोटल ऑफ योर एफर्ट्स, बट 1% लक भी लगता है. और ये 1% लक कब काम करता है? व्हेन यू एक्चुअली हैव गुड डीड्स, व्हेन यू एक्चुअली डू गुड थिंग्स. एंड दिस इज व्हाट आई आल्सो बिलीव इन पर्सनली, द पावर ऑफ कर्मा. नेक्स्ट चीज जो आई थिंक which I personally follow and I think many women out here will resonate with me. She is known for breaking stereotypes. जैसे उन्होंने बोला, she has been like this since childhood. जैसे बचपन में उनको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, तो she said मैं गली में क्रिकेट खेलने जाती थी, मैं अकेली लड़की रहती थी, लोग हंसते थे पर मैं क्रिकेट खेलती थी. आज भी जब when she started her finance channel, she gets comments like कि क्या तुम क्या बोलोगे, go and cook. How can a girl teach finance? But she has managed to break these stereotypes always. She said कि बहुत सारे लोग बहुत criticize करते हैं कि जैसे कि रचना फड़के, कि उनको किसी ने फड़के बोल दिया ऐसे ही, मतलब you know that's पोछा. फड़के का मतलब मराठी में, हिंदी में मतलब होता है उसका पोछा. तो people say things like this when a woman is trying to make herself, you know, make her mark in this world. Finance is known as a male dominant field generally, but she has managed to break that stereotype. And how? Amazingly, right? So I think we as women should start getting inspired from this. Let us not restrict ourselves to any boundaries. Let us break the stereotypes ki ladki bas khana bana sakti hai ya ladki bas ye hi cheez kar sakti hai. Ladkiya kuch bhi kar sakti hai, in fact women bhi kuch bhi kar sakti hai. And she has well, मतलब she has implemented this in her life and why not get inspired out of it, right? And last thing जो मुझे लगता है कि eventually the dots connect. जैसे उनको एक जन ने पूछा कि मैम आप तो CA related कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर क्यों किया आपने CA? She said कि that was the biggest and the most important decision of my life and मैं कभी regret नहीं करूंगी CA करना, because जो CA ने मुझे दिया है वो life में कभी मुझे नहीं मिलता. The depth of the concepts, the application of mind, the consistency की आदत, hard work की आदत जो मुझे CA से लगी, and bottom line जो respect मिलती है एक chartered accountant को, I owe it to CA field entirely. जैसे अपने में से भी काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि इतने साल इसमें इन्वेस्ट कर दिए, इतने साल सीए में इन्वेस्ट कर दिए, क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ. बट आई एम टेलिंग यू इवेंचुअली द डॉट्स कनेक्ट.
इवेंचुअली सब कनेक्ट होगा. सीए ऐसा फील्ड है जो अपने को बहुत सारी चीजें इनडायरेक्टली देके जाता है जो अपने को रियलाइज भी नहीं होता. एंड देन शी टॉक्ड अबाउट ऑफ कोर्स रिटर्न ऑफ इक्विटी कि कितना ही इन्वेस्ट करते हैं अपन सीए कोर्स में, हार्डली कुछ चीज इन्वेस्ट करते हैं अपन इस कोर्स में, एंड उसके बदले जो रिवॉर्ड्स है वो अमेजिंग है. Also, a quick update for all the CA intermediate students who are going to give their exams in November 22. आपकी तैयारी November 22 exams की अब होने वाली है because Unacademy पे from June 25th to June 28 around 2 o'clock afternoon में एक test conduct होने वाला है for all the CA intermediate students जहाँ पे आप जाओ आपकी preparations check कर सकते हो. 60 minutes में आपको 50 MCQs answer करने हैं. You can understand what's your level of preparations done till date, आगे कैसे बढ़ना है, एक roadmap क्या होना चाहिए आपके लिए आगे के लिए, and especially MCQ based में आपकी स्पीड भी चेक हो जाएगी, तैयारी भी चेक हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स भी चेक हो जाएंगे, मल्टीपल चीजों का बेनिफिट है आपको यहाँ पे. एंड गाइस अनअकैडमी पे अभी बहुत सारे बैचेस लॉन्च्ड है. इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट फॉर नवंबर 22 एग्जामिनेशन, गाइस बेसिकली अनअकैडमी इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स आउट ऑफ अ कोचिंग क्लास बिकॉज यहाँ पे लाइव इंटरक्टिव क्लास है, डाउट सॉल्विंग सेशंस है, एक ही सब्सक्रिप्शन में फास्ट ट्रैक भी मिलेगा, मैराथन्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा विदाउट इवन हैविंग टू पे अ पेनी एक्स्ट्रा. टॉप एजुकेटर्स ये बैचेस कंडक्ट करते हैं गाइस, एंड सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट भी ना बहुत एक्सट्रीमली कम होते हैं. एंड उसके ऊपर इफ यू यूज दिस कोड RCH10 देन यू गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट एंड अ सरप्राइज फ्रॉम माय साइड. ओके, चलो बिलीव इन योरसेल्फ. दिस इज मी साइनिंग आउट. विश यू ऑल द बेस्ट. टाटा.